और अगली बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है, जहां आज अयोध्या पहुंचेंगे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। 2:55 पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीजेआई। एयरपोर्ट पर जिला जज उनका स्वागत करेंगे, हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे सीजेआई। 5:30 हेलीकॉप्टर से लखनऊ रवाना हो जाएंगे और अयोध्या में लगभग 2.5 घंटे तक रहेंगे चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस आज अयोध्या आ रहे हैं, श्री रामलला के दर्शन वो करेंगे। अयोध्या में लगभग 2.5 घंटे तक रहेंगे चीफ जस्टिस, उसके बाद लखनऊ रवाना हो जाएंगे। तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। 2:55 पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे वो। एयरपोर्ट पर जिला जज उनका स्वागत करेंगे और हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। 5:30 हेलीकॉप्टर से ही लखनऊ के लिए फिर से रवाना हो जाएंगे और लगभग 2.5 घंटे का उनका समय रहने वाला है अयोध्या में। तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ आज अयोध्या में पहुंच रहे हैं, श्री रामलला और हनुमानगढ़ी में वो दर्शन पूजन करेंगे। एयरपोर्ट पर जिला जज उनका स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे और हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करने के बाद लखनऊ फिर से रवाना हो जाएंगे सीजेआई। तो लगभग 2.5 घंटे तक चीफ जस्टिस अयोध्या में ही रहेंगे और अयोध्या पहुंचेंगे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। तो देखिए, लगातार श्री रामलला के दर्शन करने के लिए तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जब 22 जनवरी को श्री रामलला का भव्य स्वागत किया गया था राम मंदिर में, राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था, उस वक्त लगातार ये अपील की गई थी कि जो तमाम दिग्गज हैं, वीआईपी दर्शन पर कुछ समय के लिए रोक लगाई गई है, तो तमाम दिग्गज आने से बचें। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे स्थिति नियंत्रण में होती गई, वैसे वैसे अब तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं और आज चीफ जस्टिस एयरपोर्ट में पहुंचेंगे और हनुमानगढ़ी में रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अयोध्या से प्रशांत शुक्ला जुड़ चुके हैं। तो प्रशांत, आज चीफ जस्टिस का अयोध्या दौरा रहने वाला है, अयोध्या में वो श्री रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे, लगभग 2.5 घंटे वो अयोध्या में बिताएंगे। क्या उनके कुछ और भी ऐसे खास कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं, या फिर वो सिर्फ दर्शन पूजन करने के उद्देश्य से ही अयोध्या आ रहे हैं? जी बिल्कुल मनीषा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं धनंजय भाई चंद्रचूड़ जी, आज धर्म नगरी अयोध्या में इनका दौरा है और मध्याह्न 2:55 पर ये महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और 2:55 के बाद ये एयरपोर्ट से सीधे जिला जज करेंगे स्वागत इनका। और वहाँ पे और भी जो वीआईपीज रहेंगे वो सबरे इनका स्वागत करने के बाद इनको डायरेक्ट यहाँ से बाय रोड ये लोग हनुमानगढ़ी जाएंगे और हनुमानगढ़ी में प्रभु हनुमान जी का दर्शन करने के बाद प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने पहुंचेंगे और राम मंदिर रामलला जी का दर्शन करने के बाद पूजन करने के बाद 5:30 रामकथा पार्क हेलीपैड से ही हेलीकॉप्टर द्वारा लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। लगभग 2.5 घंटे अयोध्या में चीफ जस्टिस जी रहेंगे। बिल्कुल प्रशांत, तो चीफ जस्टिस पहुंच रहे हैं देश के, ऐसे में किस तरह की तैयारियां उनके स्वागत के लिए होती हुई? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ के अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी के जो जिला जज है वो और बाकी जो चर्चित एडवोकेट वकील लोग हैं वो सारे लोग महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर एसएसपी साहब के साथ, कप्तान और एसपी सिटी के साथ सारे लोग वहाँ पुलिस बल तैनात है पहले से ही। और 2:55 पर जैसे ही वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करेगी तुरंत इनका जिला जज जी इनका स्वागत करेंगे, उसके बाद तुरंत बाय रोड हनुमानगढ़ी दर्शन कराने के बाद राम मंदिर दर्शन कराने लेके पहुंचेंगे और करीबन 5:30 रामकथा हेलीपैड से ये सीधे हेलीकॉप्टर से रवाना हो जाएंगे। केवल करीबन 2.5 घंटे अयोध्या में चीफ जस्टिस रहेंगे और मेन उद्देश्य इनका प्रभु श्री राम जी और हनुमानगढ़ी दर्शन करना ही है। ठीक है प्रशांत, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अयोध्या पहुंचेंगे, 2:55 पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीजेआई। एयरपोर्ट पर जिला जज उनका स्वागत करेंगे और साथ ही हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे सीजेआई। आपको बता दें कि लगभग 2.5 घंटे तक उनका समय अयोध्या में बीतेगा और 5:30 वो फिर से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे।